प्लस टेन ग्रेटर दैन जीरो और हमें सोल्यूशन सेट निकालना है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कॉट टू यूनियन कॉट फाइव से इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी से कॉट फाइव यूनियन कॉट टू से इन्फिनिटी या फिर कॉट टू से इन्फिनिटी या फिर कॉट फाइव से इन्फिनिटी तो चलिए शुरू करते हैं तो अपने पास है कॉट इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर माइनस सेवन कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन ग्रेटर देन ज़ीरो हम एक काम करते हैं कॉट इनवर्स एक्स को वाई ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टेन ग्रेटर देन ज़ीरो तो अगर इसे फैक्टोराइज़ किया तो ये वाई माइनस टू और वाई माइनस फाइव ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा तो इसके अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले तो वाई माइनस टू ज़ीरो और y माइनस फाइव जीरो इसका मतलब y इक्वल टू टू आएगा और y इक्वल टू फाइव आएगा ये अपने हो जाएंगे बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स हम यहाँ पे वेवी कर्व थियरम यूज़ करने वाले हैं तो वेवी कर्व अगर लगाया जाए तो टू यहाँ पे है बेटा फाइव यहाँ पे है पाँच के आगे का कोई भी नंबर यहाँ पे डाले तो क्या आएगा पाँच माइनस पाँच के आगे छः लेते छः माइनस दो चार छः माइनस पाँच एक चार इंटू एक चार पॉजिटिव तो क्रिटिकल पॉइंट था दो और पाँच पाँच के आगे का नंबर डाला तो पॉजिटिव आया फिर ये लीनियर टर्म्स है मतलब ऑड पावर से सारे तो ये पलटी खाते खाते ऐसे आएगा राइट right? मतलब आपका जो वेवी कर्व है बेटा वो कुछ ऐसे बनेगा पाँच के आगे पॉजिटिव दो के पीछे पॉजिटिव और दो और पाँच के बीच में नेगेटिव तो बेसिकली आपको क्या चाहिए था ग्रेटर देन जीरो ना तो ग्रेटर देन जीरो पाँच के आगे है और दो के पीछे है देरफोर आपका वाई जो है वो बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन फाइव से इन्फिनिटी बट y का जो ओरिजिनल वैल्यू था बेटा वो था कॉट इनवर्स x, तो y की जगह हम क्या रख देंगे कॉटिनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x बोल रहा है लेस दैन टू या फिर कॉट इनवर्स x बोल रहा है ग्रेटर दैन फाइव बराबर दो वैल्यूज आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से टू मतलब लेस दैन टू एंड फाइव से इन्फिनीटी मतलब ग्रेटर दैन फाइव अभी देखिएगा हर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ रेंज होता है तो कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज है ना वो ज़ीरो से लेके पाए तक होता है यह आपको पक्के से पता होना चाहिए कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है ज़ीरो से पाए अभी ज़ीरो से पाए का मतलब क्या होता है बेटा जीरो से अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट वन फोर यह मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ बिकॉज पाए का एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है तो ज़ीरो से थ्री पॉइंट वन फोर है और यहाँ पे बोल रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स पाँच से बड़ा है मतलब कॉटिनवर्स एक्स की जो कैपेसिटी है वो जीरो से ज़्यादा से ज़्यादा थ्री पॉइंट वन फोर जाएगी और यहाँ पे बोला गया है फाइव इसका मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है दिस इज अब्सर्ड तो एक पार्ट उसमें से रिजेक्ट हो गया बिकॉज कॉटिनवर्स एक्स पाँच से बड़ा होने की संभावना जीरो है तो बचता क्या है कॉटिनवर्स एक्स लेस देन टू जो कि पॉसिबल है बेटा क्योंकि यहाँ ज़ीरो से पाए बोला है ना इसीलिए तो फंडामेंटली आपको आंसर क्या आ गया कॉट इनवर्स एक्स लेस दैन टू बट कॉर्ट इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है ज़ीरो से लेके पाए तक मतलब जीरो से लेके पाए तक का आंसर है और लेस दैन टू है देरफोर आपका कॉर्ट इनवर्स एक्स एक्चुअल में किधर से किधर आएगा ज़ीरो से लेके कर टू तक आएगा ऐसे राइट right? कैसे आएगा कॉर्ट इनवर्स एक्स जीरो से लेके टू तक बराबर बिकॉज ये जीरो के पीछे भी नहीं होता कॉर्ट इनवर्स का आंसर और पाई के आगे भी नहीं होता और उन्होंने बोला है कि टू से पीछे है तो जीरो से लेकर टू आएगा अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं एक है ग्राफिकल तरीका ग्राफिकल तरीका और दूसरा है डेरिवेटिव तरीका ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले डेरिवेटिव तरीका दिखाता हूँ बिकॉज वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ठीक है उसके बाद ग्राफिकल तरीका भी मैं आपको दिखा दूंगा तो इनवर्स एक्स अगर आप देखते हो इसका डेरिवेटिव क्या आता है बेटा तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉर्टिनवर्स एक्स जो होता है ना वो आता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र अभी आपको पता है वन प्लस एक्स स्क्वायेर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा बिकॉज वन पॉजिटिव है और एक्सक्वायर पॉजिटिव है तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा इसका मतलब जो डेरिवेटिव है ना इनवर्स एक्स का वो हमेशा लेस देन ज़ीरो आएगा डेरीवेटिव इज ऑलवेज लेस देन जीरो इसका मतलब क्या बेटा इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स इज इज एन एवर डिक्रीजिंग फंक्शन एवर डिक्रीजिंग फंक्शन ठीक है इसको क्या बोलेंगे बेटा एवर डिक्रीजिंग फंक्शन और अपने पास क्या था कॉट इनवर्स एक्स जीरो से लेकर टू था तो अगर कॉट इनवर्स को मैं शिफ्ट करता हूँ ये साइड और ये साइड तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ जीरो ठीक है ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा cot टू तो अगर एवर डिक्रीजिंग फंक्शन में हम cot इनवर्स को शिफ्ट कर रहे हैं ना तो इनिक्वालिटी फ्लिप कर जाती है ये आपको पता होना चाहिए इनक्वालिटी क्या कर जाती है बेटा फ्लिप कर जाती है जब भी आप एक एवर डिक्रीजिंग फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉट इनवर्स को शिफ्ट करोगे इनक्वालिटी फ्लिप करेगी बिकॉज इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन में एक्स का वैल्यू घटता है तो वाई का बढ़ता है एक्स का बढ़ता है तो वाई का घटता है इसलिए इन साइन हम उल्टे पुलटे कर देते हैं तो कॉट जीरो तो बेटा इन्फिनीटी आता है और यह आ रहा है कॉट टू तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि एक्स जो है वो कॉट टू से लेके इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है देरफोर आपका जो एक्स का आंसर है बेटा वो कॉट टू से लेके इन्फाइनाइट है ठीक है हमने क्या किया कॉट इनवर्स को जब शिफ्ट करते हैं इन को हमें फ्लिप करना पड़ेगा बिकॉज एवर डिक्रीजिंग फंक्शन था सो so, कॉट टू से लेके इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर तो ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही टैली कर रहा है बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके दो तरीके हैं डेरिवेटिव का तरीका तो मैंने बता दिया ग्राफिकल तरीका कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है हम क्या करेंगे कॉटिनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफिकल तरीके के लिए आपको कॉर्टिनवर्स एक्स का ग्राफ पता होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है ठीक है तो एक बार मैं क्या करता हूँ कॉटिनवर्स एक्स का आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ ठीक है तो कॉटिनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो एक्चुअल में ज़ीरो से ले कर पाई के बीच में एक्जिस्ट करता है ठीक है और यहाँ पे बीच में वो पाई बाय टू पे होता है तो रेड कलर से बनाऊँगा बड़ा मज़ा आएगा देखिए वो पाई को टच करने की कोशिश करेगा पाई बाय टू को कट करके वो ऐसे इन्फिनी तक जाएगा ये ऐसा ग्राफ आता है तो पाई पे एक्चुअल वैल्यू जो होती है बेटा वो कितनी हो जाती है इन्फिनी हो जाती है बराबर और जीरो पे भी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है सही बात है अभी हमें क्या चाहिए हमें चाहिए देखो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पे हम कॉट इनवर्स एक्स जिसका मतलब वाई है उसकी वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं और हमें क्या मिला है कॉट इनवर्स एक्स इज़ लेस देन टू ग्राफ में ज़ीरो वाला कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ग्राफ बनाया अगर आपने ग्राफ बनाया तो ये अपने आप कंसिडर हो जाता है ये वाला पार्ट बराबर ना क्योंकि यही तो ग्राफ है बेटा और ये कंडीशन है यहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं बनाया इसलिए पूरा पूरा कंसिडर किया था सही बात है अभी कॉट इनवर्स एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन टू कुछ आ, लेसर देन टू आ रहा है ना लेसर देन टू ठीक है सो so, कॉट इनवर्स एक्स लेसर देन टू तो ऑब्वियस सी बात है पाई बाई टू का आंसर क्या होता है वन पॉइंट फाइव सेवन बराबर ये अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव सेवन होता है तो ये पाई जो है अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट वन फोर होता है इन दोनों के बीच में कहीं टू आएगा ये मेरा टू है ठीक है तो कॉट इनवर्स एक्स उन्होंने लेसर देन टू बोला है क्या बोला है बेटा लेसर देन टू तो मैं क्या करता हूं यहां से एक है ना ऐसी हॉरिजेंटल लाइन बना देता हूँ तो लेसर देन टू अगर कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यूज आप इस पॉइंट के आगे देखोगे तो ये सारी ग्रेटर देन टू है ना टू के ऊपर जा रही है और इस पॉइंट से देखोगे तो ये सारी लेसर देन टू है कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू देखो लेसर देन टू आ रही है तो आपको क्या निकालनी है यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये टू है तो ये कॉट इनवर्स टू आएगा बराबर और सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी काट टू आएगा ये टू है तो ये कॉट टू आएगा आप बोलेंगे कैसे बिकॉज ये यह यहाँ पे होता है कॉट इनवर्स एक्स एक्स की जगह हम डालते हैं कॉट टू तब जाके कॉन्टिनुअस कॉट कैंसिल होकर आपको टू मिलता है सो so बेसिकली यहाँ पे टू है तो यहाँ पे कॉट टू आएगा ठीक है तो ये एक्स का वैल्यू हो गया ये पहला वैल्यू हो गया एक्स का बट वो क्या बोल रहा है कि टू से छोटा है तो ये कहाँ तक जा रहा है एक्स का वैल्यू हमें किसका वैल्यू निकालना है एक्स का तो पहला आंसर आ गया कॉट टू और ये कहाँ तक जा रहा है एक्स में इन्फिनीटी तक जा रहा है पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ ये जा रहा है इन्फिनीटी तक तो ये जाएगा कॉट टू से लेके बेटा इन्फिनिटी तक तो इस तरीके से देखिए हमें ग्राफिकली भी उसका सोल्यूशन मिल गया हमें बोला गया था कॉट इनवर्स एक्स लेस देन टू है तो लेस देन टू मतलब इसके नीचे टू के नीचे तो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है बट कहाँ से कॉट टू से तो ग्राफिकली भी कॉट टू से इन्फिनिटी आया और डेरिवेटिव के तरीके से भी कॉट टू से इन्फिनीटी आया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन और इसके एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत पसंद आया रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए दिस इज अमोल मुरे सेइंग बाय बाय टू यू